बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बनाना सिखा रही हूँ चिकन रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपीज़, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टार में बनती है। आप खाएंगे तो मज़े ही आ जाएंगे आपको। तो किस तरह से मैंने बनाया है, घर के मसालों से और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मैंने ऐड किए हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब उंगलियाँ चाट देंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिए थे, चिकन के लेग पीस और सीने का ले लिया था मैंने, और इसमें मैंने वॉश करके इसको सिरके में लगा कर रख दिया, सिरका लगा कर थोड़ी देर छोड़ दिया था। और फिर पानी से वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं एक प्लेट में रख कर इसको जर्दे का रंग इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें एक ब्रोस्ट की तरह बाहर जैसे रेस्टोरेंट में बनाते उसी तरह से एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो वो जर्दी करेंगे ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हसबे जायका नमक ऐड किया है और पिसी मिर्च ऐड कर दिया, और इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मसाला जज्ब कर ले चिकन में। दूसरी तरफ हमने आलू को छील कर फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, चिप्स की तरह कट कर लिया है इस तरह से, और इसको मैं वॉश करके अब एक पतीले में डाल दूँगी, और उस पतीले में मैं पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। चूल्हे पर चढ़ा दूँगी पानी डालकर, थोड़ा सा ये तकरीबन 10% ये कुक हो जाए। थोड़े से आलू कुक हो चुके हैं तो इसको मैंने पानी फेंक कर आलू को अलग साइड में रख लिया है। और इधर मैं अब कोटिंग के लिए क्या क्या यूज़ होंगे वो इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करती चलूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं 2 खाने के चम्मच, और एक साइड पर चावल का आटा ले लिया है, ये दोनों एक साथ ले लिया। और इसमें मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इसको मिक्स करके, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, इसमें जो चिकन मैंने मसाले लगा कर मैरिनेट करके रखा था उसको मैं इसमें कर दूँगी। और सारे चिकन को मैंने जो मसाले लगा कर मैरिनेट किया था सारे को कोटिंग करके इसमें कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा जो मैंने मिक्स किया था उसके कोटिंग में मैं कोट करके रख दूँगी। और इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ भी जो मैंने कट करके रखे थे बॉयल करके, उसको भी मैं कोट करके रख लूँगी इस तरह से। अब मैंने इसको सोचा कि ब्रोस्ट की तरह बनाना है, तो एक तरफ मैंने मैदे का पानी डाल के थोड़ा सा बैटर बना लिया, और एक तरफ मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे एक प्लेट में, और इधर जो मैंने कोट करके रखा था कॉर्नफ्लोर से उसको, उस चिकन को मैं अब इस मैदे वाले बैटर में डालूँगी। और मैदे वाले बैटर में डालने के बाद उसे निकाल के फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखूँगी। तो सारी चिकन को इस तरह से कोट करके एक साथ मैं रख लूँगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई या फ्राई पैन कुछ भी ले लें आप, उसमें मैं ऑयल डालूँगी और इसको डिप फ्राई कर लूँगी। जो मैंने फिंगर फ्राइज के लिए कट किया था, फिंगर फ्राइज को बैटर में वो करके कोट करके रखा था, इसको मैं ऑयल गरम करके अच्छी तरह से उसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि जब क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इस तरह से कागज़ पर फैला लूँगी ताकि इसका ऑयल जो है जज्ब हो जाए। और यहाँ पर मैंने दूसरे स्टेप यहाँ पे शुरू कर दिया, और यहाँ पे डाल कर दूसरे स्टेप भी मैंने कर लिया है। जो फिंगर फ्राइज थे वो तैयार हो चुके हैं मेरे। अब चलती हूँ मैं यहाँ पर चिकन फ्राई करने। चिकन को जो मैंने कूट करके रखा था वो मैंने गर्म ऑयल में नहीं बल्कि नॉर्मल ऑयल में, इस ऑयल को मैंने ठंडा किया हल्का सा, फिर गर्म किया, और दरमियाने आँच में बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और गोल्डन कलर का शेप आने के लिए आपको ऑयल आँच तेज़ करके पकाना होगा इसमें, ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का एक कलर आ जाए। तो देखें ये मेरी ब्रोस्ट और फिंगर फ्राइज तैयार है, कितनी मज़े की लग रही है। आप सभी बताइएगा, ट्राई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।